नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हमारी हरियाणा जीके सीरीज भाग चली हुई है, जिसमें कंप्लीट हरियाणा जीके आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। उसी का एक पार्ट अगली वीडियो हम आज कर रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ से किसी ना किसी कोई भी कोई HSSC का कोई भी पेपर आप उठाकर देखना, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो को दोस्तों हेल्पफुली आपके लिए बहुत साबित होगी, और आप इस वीडियो को आज ध्यान से देखिए, आपके लिए एक ना एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पक्का बनेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं एक आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप जो भी इस चैनल पर इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक, और नए हों आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपकी कोई भी हम जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ज़रूर मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों जो टॉपिक है आज का हमारा, वो है हरियाणा के प्रजनन केंद्र। चलिए दोस्तों, पहला प्रजनन केंद्र है अमरूद प्रजनन केंद्र। दोस्तों, अमरूद प्रजनन केंद्र है बूना फतेहाबाद ज़िले के अंदर। जो बूना है ना, वो फतेहाबाद ज़िले के अंदर पड़ता है दोस्तों। और आप जानते ही हैं दोस्तों, फतेहाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां की याद में। 1351 में फतेहाबाद ज़िले की स्थापना की थी। उसके बाद है दोस्तों आलू प्रजनन केंद्र। देखिए दोस्तों, आलू प्रजनन केंद्र है नीलोखेड़ी करनाल में। आलू प्रजनन केंद्र नीलोखेड़ी करनाल में। नीलोखेड़ी से दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, नीलोखेड़ी में हरियाणा का सबसे पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी में है, वो खुला था दोस्तों सबसे पहले नीलोखेड़ी में। उसके बाद है दोस्तों ऊँट प्रजनन केंद्र। हरियाणा का ऊँट प्रजनन केंद्र है दोस्तों सिरसा में। वैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर ऊँट प्रजनन केंद्र है राजस्थान के अंदर। उसके बाद है भेड़ प्रजनन केंद्र। भेड़ प्रजनन केंद्र है दोस्तों हिसार में। भेड़ प्रजनन केंद्र है हिसार में। उसके बाद सूअर प्रजनन केंद्र। सूअर प्रजनन केंद्र है दोस्तों हिसार में। ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीछे कुछ पेपर में, कि सूअरों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है। तो दोस्तों सूअरों की संख्या सबसे अधिक सोनीपत में है, और HSSC ने यही उत्तर मारा था, माना था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा ब्रीडिंग जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो है दोस्तों कैरू भिवानी में। कैरू एक गांव का नाम भी है दोस्तों, एक कस्बा है भिवानी का, तो वो वहाँ है कैरू भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र। उसके बाद है मोर व चिंकारा। दोस्तों देखो, चिंकारा तो है कैरू भिवानी में, उसके साथ मोर भी आ जाए यदि मोर वह चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो ये दोस्तों है झाबुआ रेवाड़ी में। झाबुआ जो रेवाड़ी ज़िले में आता है। उसके बाद है दोस्तों मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है दोस्तों बोरसेदान। बोरसेदान एक जगह है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी, 360 तीर्थों का शहर कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। 48 कोस की नगरी भी यही है। उसके बाद है दोस्तों हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र। हाथी के लिए पुनर्वास और प्रजनन केंद्र है दोस्तों बनसंत कौर। बनसंत कौर जगह है दोस्तों यमुनानगर में। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ नगर यमुनानगर इसका नाम पड़ा दोस्तों। गन्ना सबसे ज़्यादा हरियाणा का यमुनानगर में होता है। कॉटन मिल भी वहीं पर है दोस्तों, और पेपर मिल भी वहीं पे है। उसके बाद दोस्तों गोरैया या चिड़िया प्रजनन केंद्र। देखिए दोस्तों, चिड़ियाघर अलग से है, लेकिन चिड़िया प्रजनन और गोरैया प्रजनन केंद्र है पंचकुला में। चिड़ियाघर की बात करेंगे तो दोस्तों हरियाणा में तीन चिड़ियाघर हैं, रोहतक भिवानी और एक पीपली जो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जटायु प्रजनन केंद्र। जटायु प्रजनन केंद्र हमारा है पंचकुला के अंदर। उसके बाद आप सभी जानते ही हैं भैंस प्रजनन केंद्र हिसार में। भैंस के ऊपर तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कहावत है अपने हरियाणा में, आप जानते हैं कि सबसे फेमस भैंस मुर्रा भैंस हरियाणा की, और कहते हैं जिसके घर काली, क्योंकि भैंस काली है। वैसे तो दोस्तों भैंस का थोड़ा सा अलग कलर भी होता है, भूरे भूरे रंग की तरह, जिस तरीके से हम अंग्रेज़ों को गोरे की तरह कहते हैं कि गोरी भैंस, लेकिन भैंस जो है यहाँ पर काली ही मानी जाती है। और क्या कहावत है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ कि जिसके घर काली उसकी रोज़ दिवाली। दिवाली क्यों बताई जाती है दोस्तों, क्योंकि वो भैंस बहुत ही ज़्यादा दूध देती है, और आज के टाइम पे दूध की जो है प्रोडक्ट, जो दूध की मांग हो बहुत ज़्यादा है, और रेट भी बहुत हाई है, इसलिए किसान की हर रोज़ दिवाली होती है दूध बेचने से, इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद है दोस्तों गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। दोस्तों गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है पिंजौर पंचकुला में।
गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है पिंजौर पंचकुला में। पंचकुला का दोस्तों हाल ही में फिल्म सिटी मेडी सिटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्योंकि पंचकुला से जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वे आते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है और वे पंचकुला को फिल्म सिटी और मेडी सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों तित्तर प्रजनन केंद्र दोस्तों मोरनी पंचकुला में, आप जानते हैं पंचकुला के अंदर मोरनी की पहाड़ियाँ जिनकी सबसे ऊंची चोटी है करो 1514 मीटर, बहुत बार HSCA क्वेश्चन पूछ सकी है दोस्तों। उसके बाद कला तित्तर प्रजनन केंद्र है दोस्तों पीपली कुरुक्षेत्र में, पीपली जो है ना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है दोस्तों, एक कस्बा कुरुक्षेत्र का पीपली में। उसके बाद दोस्तों देखो हरियाणा का एकमात्र हिरण पार्क दोस्तों हिसार में। उसके बाद किंग फिशर पर्यटन व प्रजनन केंद्र, यह दोस्तों अम्बाला में, और ये 1986 में खुला था दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि किंग फिशर पर्यटन केंद्र कहाँ है। देखो दोस्तों यहाँ पे पर्यटन के साथ साथ प्रजनन केंद्र भी है वहाँ पे, इसलिए यह क्वेश्चन मैंने इकट्ठा ही बनाया है आपके लिए, इकट्ठा ही लिख दिया है कि किंग फिशर पर्यटन केंद्र और प्रजनन केंद्र दोनों ही कहाँ हैं, इकट्ठे ही हैं दोस्तों, अम्बाला में 1986 में खुले थे दोस्तों। मैं आपके लिए पर्यटन केंद्रों की भी अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रजनन केंद्र। इसके बाद दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन निकलते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ दोस्तों। देखो उड्डा, दोस्तों कई पेपरों में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है कि उड्डा का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इसका पूर्ण रूप है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। दोस्तों देखो पहले हुड्डा नाम हुआ करता था, अब इसका नाम HSVP कर दिया, लेकिन हुड्डा से भी पहले इसका क्या नाम होता था दोस्तों, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों हुड्डा, इससे पहले इसका नाम था UED, अर्बन स्टेट डिपार्टमेंट था दोस्तों, जो 1962 में अर्बन स्टेट डिपार्टमेंट जो था ना दोस्तों, वो 1962 में स्थापित हुआ था। इसके बाद हुड्डा एक्ट, दोस्तों आप इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिलेटेड मत कीजिए, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन उस टाइम पे ना तो उनका कार्यकाल था ना ही वे मुख्यमंत्री थे, तो इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मत कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अलग था इनसे। हुड्डा एक्ट नाम उनका जरूर मिलता जुलता है, लेकिन उनसे अलग था हुड्डा एक्ट। दोस्तों हुड्डा एक्ट जो था ना वो 1977 के तहत, एक्ट मतलब 1977 के एक्ट के तहत 13 जनवरी 1977 को कानून ये लागू हुआ था, यानी कि उसका नाम UED का नाम हुड्डा कर दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों आप जानते ही हैं अब 1 जून 2017 को इसे HSVP, BJP की सरकार ने आते ही HSVP जो पहले नाम हुआ करता था हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, देखिए दोस्तों हुड्डा में था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल नाम कर दिया HSVP, एच से हरियाणा, एस से शहरी, वी से विकास और पी से प्राधिकरण, सिंपल नाम रख दिया इसे BJP की सरकार ने 1 जून 2017 से। और HSCC से क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, हुड्डा की फुल फॉर्म HSCC पूछ चुकी है, HSVP की पूछ चुकी है, और ये भी पूछ चुकी है HSCC कि HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कब लागू किया गया था, तो 1 जून 2017 को। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज की वीडियो, इसमें प्रजनन केंद्र और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों तक या अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।